हे फैमिली, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में जो हम मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कि आप आर्म रेसलिंग में अगर कोई आपको पेन आ गया है या फिर आपको कोई इंजरी हो गई है तो आप उससे रिकवर कैसे कर पाओ। ठीक है, और आप इसे सिर्फ आर्म रेसलिंग से रिलेट मत करना। कई लोगों को, जब मैं पहले बैडमिंटन खेलता था तो मेरे हाथ में पेन आ जाता था, मुझे पता नहीं चलता था कि मैं करूँ क्या। आप उसके लिए भी इसे रख सकते हो। कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, आपके किसी भी एरिया में, आपके हाथ में, आपके पैर में, कहीं पर भी चोट आई है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जो भी थेरेपी मैं बताऊंगा, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करना और आपको रिलीफ मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये वीडियो क्यों बन रही है। ये वीडियो सिर्फ इस वजह से बन रही है क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भैया हम आपके साथ आर्म रेसलिंग करने आ जाते हैं, हम खेलते भी अच्छा हैं और हम खेलना भी चाहते हैं आगे, पर हमें बहुत पेन होता है खेलने के बाद। सो देखो यार, पेन का तो ये गेम है, कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें आपको पेन नहीं होगा। हर गेम में आपको पेन होगा, आर्म रेसलिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है ये मैं भी मानता हूँ, पर पेन से आपको खेलना पड़ेगा ये भी है। ठीक है, तो पेन के साथ चलना है तो उससे लड़ना सीखो, उससे डरो मत। तो सबसे पहली बात, अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जब भी आपको कहीं पे भी कोई चोट लग जा रही है या फिर आपको किसी पोजीशन पे जाके आपने खेला है और वहाँ से आपको पेन आ गया है, तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको रेस्ट लेना है। ठीक है गाइस, आपको रेस्ट लेना है, आपको आराम करना है, अपनी हाथ को आराम देना है। कुछ भी करो आप, पर थोड़ा सा रेस्ट लो। ठीक है, 2 से 3 दिन 4 दिन का रेस्ट लो आराम से, चाहो तो 1 वीक तक इसे एक्सटेंड कर सकते हो अगर दर्द नहीं जा रहा आपका। तो सबसे पहले आपका यही काम होगा कि आपको रेस्ट लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। आपको जिम नहीं जाना, आपको कुछ हैवी नहीं उठाना। ठीक है, घर में भी अगर आप कुछ हैवी काम कर रहे हो तो वो नहीं करना है। अपने जो भी वर्कआउट्स हैं उनको थोड़े दिन बाद के लिए शेड्यूल कर दो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हो गया ये। उसके बाद उस रेस्ट पीरियड में आपको क्या क्या करना है वो बता देता हूँ। तो उसके बाद आपको उस रेस्ट पीरियड में करना है आइसिंग। ठीक है, सबसे बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी जितने भी गेम्स हैं उन सभी चीज़ों में। आप किसी भी कोच से पूछोगे तो वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि कहीं पे चोट लग जाए तो उस टाइम पे वहाँ पे आइसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आइसिंग बहुत जल्दी रिकवर करती है आपकी किसी भी चोट को। तो आइसिंग करो, उससे आपका पेन भी कम होगा और उससे आप बहुत जल्दी रिकवर होगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी आइसिंग। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गई आपकी कंप्रेशन। कंप्रेशन आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं, तो यहाँ पे ये वीडियो चल रही है। ठीक है, जो इमेज में जो आपको टूल दिख रहा है, इस टूल को आप हेल्प ले सकते हो इस टूल की, कंप्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये टूल काम क्या करता है, ये टूल आप अपने हाथ पे ऐसे लगा लोगे। ठीक है, आप जब इसे अपने हाथ पे लगा लोगे तो ये आपके जिस एरिया में पेन है, सपोज मेरे टेंडन्स में पेन है, तो ये इस एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका जो जो भी आपकी इंजरी हुई है वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ रहेगा, आपका ब्लड बहुत जल्दी फ्लो होगा। तो जितनी जितनी ज़्यादा तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर यूज़ करना। अगर आपके पास नहीं हो तो इसे मंगा लो, कहीं आसपास की शॉप से भी खरीद सकते हो आप, तो खरीद लो, बहुत अच्छा टूल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई आपकी तीसरी चीज़। ठीक है, अब चौथी चीज़ होती है एलिवेशन। एलिवेशन में क्या करना होता है गाइस, देखो आपका हाथ है, सपोज करो आप आर्म रेसलिंग करते हो। ठीक है, तो आपके इस एरिया में, आपके इस एरिया में, आपकी इस एरिया में और यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को पेन आता है इस जगह पे। कई लोगों को ट्राइसेप में भी आता है, कई को शोल्डर में भी आता है, तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा एलिवेशन। ठीक है, पर जिन लोगों को इस जगह पर आता है, आपको करना क्या है एलिवेशन में, आपको अपने हाथ को अपने हार्ट से ऊपर रखना है, थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आप सो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो डेली बेसिस का, तो आप अपने हाथ को थोड़ा ऊपर रखो अपने हार्ट से। होता ये है कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का सीन होता है वो खत्म हो जाता है थोड़ा, और आपके हार्ट से ऊपर जब चीज़ें रहती हैं वो थोड़ी सी जल्दी रिकवर होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ की आप यूज़ कर सकते हो, और इस पूरी थेरेपी को कहते हैं राइस थेरेपी। आप जाके इंटरनेट पर पढ़ सकते हो इसके बारे में, या फिर जाके किसी बुक में पढ़ सकते हो, अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स की बुक होगी तो उसमें ये थेरेपी ज़रूर दी होगी। ये मैंने भी पढ़ी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में खेलते हो, कहीं भी खेलते हो, तो ये आपको हर जगह बताई जाती है, तो इसे ज़रूर फॉलो करना। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, जो हमें दूसरी चीज़ करनी है वो है हीट थेरेपी। हीट थेरेपी में आप क्या क्या कर सकते हो मैं बता देता हूँ आपको। हीट थेरेपी में आप मेनली चीज़ें जो कर सकते हो वो है ऑइंटमेंट जेल, कोई सी भी जेल।
ठीक है, मैं किसी ब्रांड की जेल को नहीं बोलूँगा, किसी भी जेल को ले लेना, लाइक मूव हो गई, वॉलिनी हो गई, दो तीन ब्रांड मुझे पता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ कभी कभार, आप इनका यूज़ ले सकते हो। और आपके पास क्रिप बैंडेज होगा, जिसे गर्म पट्टी भी कहते हैं, आप वो भी ले सकते हो, और वो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। जब आप आइसिंग कर लोगे, ये आपको उसके बाद करनी है, 3 से 4 दिन बाद, 3 दिन तक आपको आइसिंग करनी है, ठीक है, 3 दिन तक आपको आइसिंग करनी है, और कंप्रेशन यूज़ करना है, और एलिवेशन इन सभी के साथ यूज़ करते रहना आप डे बाई डे, ठीक है। तो आइसिंग 2 से 3 बार आप कर सकते हो दिन में, टोटल 2 से 3 बार कर सकते हो। और उसके बाद ये जब सारा प्रोसेस आप कर लोगे, इस सब के बाद आप हीट थेरेपी पे आना। हीट थेरेपी पर आके आप 2 से 3 दिन तक कोशिश करना कि अपने हाथ पे गर्म पट्टी बांध के रखो, और ऑइंटमेंट जेल कोई भी हो उसे लगा के रखना, वो बहुत फ़ायदा करती है। एक टूल और है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आइस थेरेपी करते कैसे हैं, तभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हीट थेरेपी और एक तरीके से कैसे करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी, आइस थेरेपी और हीट थेरेपी। इसके बाद आपको करना क्या है, आपके घर में सभी इंडियन घर में ऑयल होता ही है, तो मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ करता हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में इंजरी आ गई है, ठीक है, तो सपोज करो मेरे टेंडेंट्स में इंजरी है, ठीक है, तो मैं इस एरिया पे हल्का सा मस्टर्ड ऑयल लेके और बहुत बहुत लाइटली मसाज करूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करनी, उससे पेन बढ़ सकता है, बहुत लाइटली करनी है आपको, आराम आराम से करनी है, आपका ही हाथ है, आराम से करना, तो आराम आराम से मसाज करना, वो बहुत फ़ायदा देता है, ठीक है, आप ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो। ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़, आप अपने जिम में जाओ। अब जब आपने ये सभी चीज़ें कर ली हैं, आपको बहुत आराम मिल गया होगा, तो आप अब जाओ जिम में। जिम में जब आप जाओगे तो आपको मेन ध्यान देना है कि आप जो भी अपने आर्म्स के लिए एक्सरसाइज करते थे, ठीक है, अगर सपोज करो मेरे ब्रोकेलिस मसल में पेन आया है, ठीक है, तो अब मैं आर्म्स के लिए एक्सरसाइज करता था ब्रोकेलिस के लिए, तो करता क्या था, हैमर कर्ल करता था, ठीक है, तो हैमर कर्ल अगर आप करोगे तो वो आपको बिल्कुल लाइट वेट से कर देनी है, ठीक है। जब आप आर्म रेस्लिंग करते हो तो आप बहुत हैवी वेट पे जाते हो और बहुत कम रेप्स के लिए जाते हो, 1 या 2 रेप्स के लिए भी जाते हैं कई लोग, मैं भी गया हूँ, ठीक है, तो मैंने 2-3 रेप ट्राई करे हैं। आपको करना क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा रेप्स मारने हैं, वेट बिल्कुल कम रखना है, 5 या 2.5 का ले लो आप डंबल, उससे आपको 40 से 50 रैप निकालने हैं एक सेट में, आपको इसके 3 सेट करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगेन आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा उस मसल का, ठीक है, उसके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो जल्दी रिकवर होकर आपका हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। ये फॉलो ज़रूर करना, चौथी टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एकदम से जाके इंजरी के बाद, या आप बहुत हैवीली किसी के साथ खेल लोगे, या फिर आप किसी जिम में जाके बहुत हैवी वर्कआउट कर लोगे, तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा जो आपने करी है, ठीक है, वो सारी चीज़ ख़राब हो जाएंगी। आप अपने हाथ को आराम दो थोड़ा, ठीक है, आप 1 हफ्ते बाद भी थोड़ा लाइट वेट से करो, रेप्स ज़्यादा निकालो, थोड़े 1-2 दिन 1-2 वीक आप आराम से अपने हाथ को रेस्ट पोजिशन पर रखो, बहुत ज़्यादा हैवी लोड मत डालो अपने हाथ पे यार, एक ही हाथ है, कहाँ जाओगे लेके, ठीक है। तो जिस भी हाथ में चोट आई हो, ये सारे स्टेप ज़रूर फॉलो करना। अब आगे वाली चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे करनी है। गाइस, ये है वो सारा सामान जो आप यूज़ करोगे अपने हाथ को रिकवर करने के लिए, ठीक है, अब मैं लाइन बाय लाइन बता देता हूँ है क्या क्या इसमें, ठीक है। पहली चीज़, ये आपका बर्फ़ वाला पानी है, ठीक है, इसमें पूरी आइस है हर जगह पे और ये बहुत ठंडा है, ठीक है। तो पहली चीज़ है आपकी ये, आपको इससे आइस थेरेपी करनी है, और आइस थेरेपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी चीज़ों में, तो आइस थेरेपी आपको मेनली करनी है, ठीक है। सेकंड पर आता है आपका ये, ठीक है, सेकंड पे ये क्यों, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको फ़ायदा ये होगा, ये है हीट बैग, और आप इसे हीटिंग ट्रीटमेंट में अपने इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और सेम ये दोनों चीज़ें, ये दोनों भी आपकी हीटिंग ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होंगी, मैं इसका ब्रांड नहीं बता रहा, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है तो कोई ब्रांड नहीं बता रहा मैं, तो आप कोई से भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। ये आपको अगर आपके घर में दूसरा हो, मेरे पास इलेक्ट्रिकल है, आपके घर पे अगर दूसरा हो, हॉट वाटर बैग हो डायरेक्ट वाला, तो आप उसमें गर्म पानी भर के और उसे भी यूज़ कर सकते हो। जिस भी एरिया पे आपको चोट लगी होगी, आप वहाँ पे अपने हाथ पे ऐसे निकाल के और इसे हाथ पे रख के रखो अच्छे से थोड़ी देर तक, और उसके बाद आप खुद ही देखना रिजल्ट कैसे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है कि पानी में ऐसे आपके पास टब हो या फिर कोई और चीज़ हो जिसमें आप हाथ डाल के अच्छे से रख सकते हो, तो उसमें रख के रखना। सबसे पहली चीज़ ये, यहाँ पर ऐसे आपको हाथ डालना है पूरा, ठीक है,
आपका हाथ पूरा ऐसे आना चाहिए कि आपके टेंडन्स पूरे कवर हो जाएं, जैसे मेरे कवर हो रहे हैं देख सकते हो आप। ठीक है, दोनों हाथ अंदर डाल के और आराम से बैठ जाओ, अपने आप को रिकवर करो। और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक का आपको हाथ में इसमें रखना है हाथ, और जब तक बर्फ़ आपकी बिल्कुल छोटी छोटी ना हो जाए। वैसे तब पानी तब भी ठंडा रहेगा आपका, आप यूज़ कर सकते हो उसको काफ़ी देर तक, 15 से 20 मिनट मेरे हिसाब से मैक्सिमम होंगे। आप इतनी देर तक रखो, उसके बाद फिर छोड़ दो, सुबह करो ऐसा, फिर शाम में करो, फिर रात में कर लो, आप बहुत जल्दी रिकवर होगे। सेकेंड पर आता है आपका हीट वाटर बैग, आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हो अगर आपके पास दूसरा वाला हो। मेरे पास ये इलेक्ट्रिकल वाला है, तो ये यहाँ से चार्ज हो जाता है और उसके बाद मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपके पास गर्म पानी वाला हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो, वो भी सेम काम करेगा। ठीक है, तो नया मत खरीदना, आप अपने घर वाला यूज़ कर सकते हो। उसको अपने जिस भी एरिया पे चोट हो, सपोज़ मेरे हाथ पे अगर आया है स्प्रेन, तो मैं इसको अपने हाथ पे उठा के और लगा लूँगा। ठीक है, मेरा हाथ इससे बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है, मैं सच बताऊँ तो मैंने ठंड में ये बहुत यूज़ करा है और इसने बहुत बहुत ज़्यादा रिजल्ट शो करे हैं। ठीक है, अब जब ये कर लो आप, ठीक है, आप सोने से पहले ये कर लो और फिर ये और ये यूज़ करो, आप ऑइंटमेंट जेल लगाओ, ये बांधो और सो जाओ। ठीक है, सुबह तक आपको खुद ही रिजल्ट पता चलेंगे। आप 3-4 दिन ये करना, आपको रिजल्ट खुद ही दिख जाएंगे। सबसे पहले आपने ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, फिर आपको ये लगा के सो जाना है। ठीक है, 3 दिन ये करना, उस 3 दिन के बाद आप इस पे आना, इसको उठाना, अपने हाथ पे लगा के रखना, 3 से 4 बार आप दिन में इसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे सुबह कर लिया, शाम को कर लिया और रात में कर लिया, रात में आप इसको करने के बाद इसे लगाओ और सो जाओ। ठीक है, सो जितनी मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया है। अब इस सब के बाद जिम में थोड़ा लाइट वर्कआउट करना, अगर आपको इंजरी आ चुकी है तो लाइट वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है, और उससे हाई रेपिटेशन निकालना। ठीक है, कंप्रेशन वाली ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हो और एलिवेशन वाली भी फॉलो कर सकते हो, वो भी बहुत बहुत अच्छे रहती है। ठीक है, तो आई होप, अभी ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं।